नमस्कार, मैं रविश कुमार। मैं मौजूद हूँ MIT बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ के ब्रेन रिसर्च सेंटर में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। दिमाग से जुड़ी बीमारियों का इलाज कैसे हो सकता है, उनमें संभावनाएं क्या हैं, और क्यों हमें कोई चीज़ दिमागी रूप से बीमार बना देती है, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं यहाँ के एक प्रोफेसर मृगांक सुर से। तो फाइनली इसके भीतर 80 अरब क्या है, 80 अरब न्यूरॉन। जैसे मेरी पूरी ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अच्छा, मैं न्यूरोसाइंस कैसे कर रहा हूँ। MIT में हर छात्र को बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। बहुत अलग अलग देश के, हमारे लैब में इस टाइम पे 9 देशों से है। विजन आँख से शुरू होती है मगर ब्रेन में क्रिएट। MIT का एंडाउमेंट जिसे कहते हैं करीब $20 या $25 बिलियन। इसमें तो एक राज्य का हार्वर्ड का 40 या 50 बिलियन है। और ये एक बहुत बड़ी गलती धारणा है, ये बहुत गलत है कि गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी रिसर्च और रिसर्च अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा चाहती है कि हमें क्या मिल रहा है। ये मशीन कितने की होगी सर? ये मशीन है करीब $1 मिलियन। जैसे कई तरह के सिंड्रोम होते हैं, पर एक ऑटिज्म की बात कर लेते हैं, उस दिशा में क्या आप लोगों के पास कोई कुछ ऐसी प्रगति दिखती है? उसके लिए होप है। One day we will solve them. और काफी अच्छी बातचीत है, इसे आप YouTube चैनल रविश कुमार ऑफिशियल पर जरूर देखिए। अनुभव है, उसकी छाप है यहाँ पे, थोड़ी सी छाप है, काफी छाप है, क्योंकि ये आंगन जिस तरह से उन्होंने बनाया है और यहाँ पे छज्जे हैं और सोचिए, और उनकी ये एक उनकी सिग्नेचर है। उनके 3-4 बिल्डिंग में उन्होंने ऐसे एक स्क्वायर बड़ी सी खिड़की जैसा कुछ, एग्जैक्टली सिंबॉलिक खिड़की बना दी उन्होंने, और वो ऐसे बहुत ही सुंदर है। पर ये एक बहुत सुखद है कि यहाँ पढ़ते भी थे, पढ़े भी थे यहाँ, और पढ़ाया भी उन्होंने चार्ल्स कोरियन। मगर उनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, आर्किटेक्चर कंपनी थी बॉम्बे में, तो उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मगर उन्होंने यहाँ के भी लोगों के साथ अच्छा करके बनवाया। और यहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो जाड़े में तो यहाँ पूरा बर्फ हो जाता है, तो इसलिए ये शीशा एग्जैक्टली, क्योंकि खुली बिल्डिंग तो बना नहीं सकते बॉस्टन में, तो उन्होंने ये सब इसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन उन्होंने MIT के लोगों के साथ मिलकर किया, क्योंकि ये ग्लास है मगर टेंशन होना चाहिए, मगर ये भी खुला होना चाहिए, तो किस तरीके से किया जाए। और ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये है क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग न्यूरोसाइंस की है। न्यूरोसाइंस, अच्छा, मैं डिपार्टमेंट का चेयरमैन हुआ करता था जब ये बिल्डिंग बनाई गई, तो हम लोगों ने यह तय किया कि ये 7वें मंजिल पे, हम 6ठे मंजिल पे हैं, 7वें मंजिल पे अब एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च ब्रेन पे है, और ब्रेन तो ह्यूमंस की ब्रेन पे तो होते ही है, मगर यदि आप और भी देखना चाहें ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, और ब्रेन में क्या कनेक्शंस हैं न्यूरॉन्स के साथ, उस ये सब फंडामेंटल मैकेनिज्म्स हैं ब्रेन साइंस के, तो उसके लिए हमें जानवरों की ब्रेन्स की ज़रूरत है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इज़ माउस, क्योंकि माउस मॉडल सिस्टम्स हमें चाहिए, और माउस मॉडल सिस्टम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गई हैं न्यूरोसाइंस के लिए, और मंकीज भी। तो ये सब के लिए हमें NIH से MIT से परमिशन लेना पड़ता है, जस्टिफिकेशन करना पड़ता है, पेन सफरिंग इत्यादि, मगर 7वां मंजिल पूरे एनिमल्स का है। अच्छा, तो उसमें तो यहाँ पे पाले गए हैं। हाँ, और ये एनिमल्स हम लाते हैं बाहर से, हम बनाते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं का मतलब, हाँ, तो ये ऐसा है कि जैसे हम जीन्स जानते हैं आप, जीन्स, हाँ, तो हमारे नहीं
सवाल मेरे जानने का नहीं है, जो देख रहा है उसे उसे भी पता होना चाहिए, तो आप उसके लिए जरूर बताएं कि मुझे हिंदी में ठीक तो आप जीन्स ही बताएं। हम वैसे हिंदी में जो नाम है अनुवांशिकी है तो वो भी बहुत मुश्किल है, हर किसी के समझने की बात नहीं, लेकिन आजकल लोग जीन समझता है। तो ह्यूमंस माइस मंकीज ऑल हैव अबाउट 20,000 जीन्स और हमारे जीनोम में ये जीन्स की कोड रहती है और जीन्स के कोड के इन बितान रेगुलेटर रीजन्स रहते हैं, जैसे कि जीन्स बनाती हैं प्रोटीन्स से, जैसे कि यू नो हर सेल में हमारे बदन में ब्रेन में 80 बिलियन सेल्स हैं और पूरे बदन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ये सब सेल्स बनती हैं एक फर्टिलाइज्ड एग से डिवाइड करके फिर बच्चे पैदा होते हैं, ह्यूमन या माउस, और फिर वो बड़े होते हैं। तो उनमें ये 20,000 जीन्स से ये बनता है और एक जीन्स को हम बदल सकते हैं। ये अपने आप भी बदल जाता है या बाहर से आप हस्तक्षेप करके बदल देते हैं? एग्जैक्टली, दोनों चीज़ें होती हैं। अपने आप तो बदलता है ड्यूरिंग नॉर्मल यू नो कंसेप्शन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से पांच छह पीढ़ियों के बाद बदल जाता होगा। जब डिवाइड करते हैं सेल्स तो जीन्स हैव टू बी कॉपीड, तो उस कॉपिंग में जीन्स कभी कभी बदल जाते हैं और इस तरीके से डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स, ये कॉपिंग में कभी कभी जीन बदल जाते हैं और माँ से और बाप से एक एक कॉपी मिलती है जीन्स की, तो उनमें कभी कभी नेचर के हस्तक्षेप कर देते हैं तो जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। और नेचर कैसे करता है, क्या किसी पौष्टिक चीज़ों की कमी कर देता है? जैसे आपने कहा कि प्रोटीन से बनता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि पीछे की जनरेशन ने प्रोटीन का सेवन कम किया तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में जीन बदल जाए? और जैसे हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन्स के, उनके फंक्शनिंग के लिए करीब 10,000 जीन्स चाहिए। 10,000 जीन्स चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन्स में बहुत से प्रोटीन्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है एक सेल, और ये सेल कनेक्ट करता है दूसरे सेल्स के साथ, उसे न्यूरॉन्स कहते हैं। और इस तरीके से इंफॉर्मेशन आता है हमारे ब्रेन में, प्रोसेस होता है और उसे हम कॉग्निशन कहते हैं। दिस इज हाउ द ब्रेन क्रिएट्स द माइंड। जो 10,000 जीन को रेगुलेट कर रहा है, उससे इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कहलाता है कॉग्निशन। और 10,000 जीन्स बनाता है न्यूरॉन और न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं हजारों न्यूरॉन के साथ। प्रोफेसर मृगांक, आप जिस तरह से बता रहे हैं, विज्ञान के विषयों में बहुत कम लोग, हालांकि आप यहाँ दुनिया भर के छात्रों से आपका वास्ता पड़ता होगा तो आपकी भाषा की ट्रेनिंग जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ी की ही होनी चाहिए, लेकिन आपके बताने में जो आनंद में महसूस कर रहा था वो बहुत मज़ा आया। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे जो हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि MIT जो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, सेंटर है, वहाँ पे प्रोफेसर मृगांक जो हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट सेंटर में काम करते हैं। अभी हम इनके सेंटर में प्रवेश भी नहीं कर पाए हैं, मगर बाहर इन्होंने बताना शुरू किया तो दो चीज़ें बताई इन्होंने कि हम जिस इमारत में खड़े हैं उस इमारत को बनाने वाले चार्ल्स कोरिया, जिनकी कल्पना साकार हुई है इस इमारत के रूप में, इनका संबंध भारत से रहा है और ये तब कॉन्ट्रैक्ट मिला था चार्ल्स कोरिया को, उनकी कंपनी बॉम्बे में काम करती थी, तो MIT वाले को पता था कि बॉम्बे में कोई चार्ल्स कोरिया है, उनसे एक बिल्डिंग बनानी है, तो ये जो खुलापन उन्होंने दिया है उसका एक फ़ायदा तो अभी आपने देखा कि इस जगह में कई साल, कई दशक के बाद भी जो एक खुलापन बना हुआ है, ये उसी का नतीजा, एक नतीजा ये है कि कोई प्रोफेसर
आपसे अचानक मिलते हैं पहली बार, बस हम लोग अभी अभी तुरंत मिले हैं इस कैमरे के सामने, और वो अपने काम के बारे में इतना डूब कर बताना शुरू करते हैं, तो आपके लिए संदेश ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे प्यार कीजिए, उसके बारे में जब आप बताएं, उसके बारे में जब आप सोचें, तो ठीक उसी तरह से रस लें जैसे प्रोफेसर मृगांक ले रहे हैं। अब हम आपके सेंटर में चलना चाहेंगे। तो पहले आप जी बताना हाँ, शुरू किया हाँ, कि हम माउस हाँ, चूहे के साथ काम करते हैं हाँ, क्योंकि माउस की जेनेटिक्स हम हाँ, बदल सकते हैं आसानी से। ओ, तो माउस को हम एक जीन म्यूटेशन या दूसरा जीन म्यूटेट कर सकते हैं, और उसी से सीखते हैं आप कि आदमी में बदल सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि हमें मालूम है कि आदमियों में जब दिमाग की होती है ना, जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, हम ये जानकारी कर रहे हैं कि उसमें एक जीन या दूसरी जीन या 10 जीन कभी कभी म्यूटेंट हो जाती हैं, तो वो हम कैसे समझेंगे? आदमी के साथ बात कर सकते हैं, उनकी ब्रेन इमेजिंग कर सकते हैं, मगर उसके ज़्यादा तो नहीं देख सकते, मगर हम यदि माउस बना सकें जिसमें वही जीन म्यूटेंट है, वो हम यहाँ पे बनाते हैं। और तो प्रोफेसर हैं, मुझे और फिर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, हम ब्रेन के अंदर देख सकते हैं कैसे कनेक्शन बदल गए, दिमाग हमारा कैसे काम करता है। उसमें 80 अरब सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। माउस में 50 मिलियन है। 50 मिलियन 1000। पर आप बताइए कि जीन्स वही हैं और बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं। मैं आपसे एक मजेदार सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतने साल से आप ब्रेन का अध्ययन कर रहे हैं, क्या आपने 80 बिलियन सेल्स देखे हैं? उनका किसी भी तरीके से आप उन जगहों तक पहुँचे हैं, या कुछ ही सेल्स के विद्वान बनकर रह पाए? मुझे मालूम नहीं है कि मेरा ये सवाल वैज्ञानिक तरीके से सही है या नहीं, लेकिन कोई देख नहीं सकता। अच्छा, हम हाँ करीब 100-150 साल से इंडिया में, यूरोप में ब्रेन की स्टडी होती आ रही है, और ब्रेन की स्टडी अलग अलग तरीके से होती है। पहली तो बस आप आदमी से बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, आपके दिमाग में क्या हो रहा है, तो वो एक तरीका है स्टडी करने का। मगर फिर पोस्टमार्टम ब्रेन को आप स्लाइस कर सकते हैं। अच्छा, आप उसकी स्टेनिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में सही ब्रेन, डिफरेंट ब्रेन रीजन्स लुक डिफरेंट, व्हाट डू द सेल्स लुक लाइक, देन यू कैन स्टडी इवन फर्दर, यू कैन गो डीप इन टू द ब्रेन, पर्टिकुलरली एनिमल ब्रेन्स, एंड आस्क हाउ डू द ब्रेन सेल्स वर्क। एंड टू डू दैट वी नीड टू यूज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मेरी पूरी ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। अच्छा, मैं न्यूरोसाइंस कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि ब्रेन का पूरा फंक्शन इलेक्ट्रिसिटी के साथ है। अच्छा, ब्रेन जैसे आप हमें देख रहे हैं, आपके विजुअल कॉर्टेक्स में इलेक्ट्रिक फायरिंग हो रही है आपके मिलियंस ऑफ सेल्स की, और आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स में मिलियंस ऑफ सेल्स आर फायरिंग। फ्रॉम दिस फायरिंग योर ब्रेन इज क्रिएटिंग कॉग्निशन कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप इसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मेजर करनी पड़ती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। पर हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यहाँ ज़रूरत है। और क्योंकि पूरी हमारी भाषा न्यूरोसाइंस की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिस तरह से जो इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं और वो कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को वो ये सोचते हैं कि बिजली विभाग की नौकरी है, वो हम नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन सभी इंजीनियरिंग के छात्रों को आप या आपके जैसे अच्छे प्रोफेसर नहीं मिले हैं। अगर मिले होते तो वो कहते कि नहीं, हम कंप्यूटर साइंस की जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम फिर दिमाग के भीतर जो बिजली की रोशनी कौंध रही है, हम उसका जादू, उसका विज्ञान समझ पाते। तो वो तो 50 साल पहले हमने डिसाइड किया हाँ, कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो हमने पढ़ाई की हाँ, मगर हम बायोलॉजी करेंगे, हम ब्रेन की स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, इंफॉर्मेशन की कोडिंग होती है, डीकोडिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, ये सब इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं।
तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ बायोलॉजी के बारे में सोचा, तो ये आपके किसी टीचर ने बताया या आपकी जिज्ञासा यहाँ ले आई? ये मैं अपनी जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा लेके, क्योंकि मैं जब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ा, हाँ, बायोलॉजी जीरो था। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि बायोलॉजी और इंजीनियरिंग और फिजिक्स और मैथ बिल्कुल अलग अलग फील्ड, अब थोड़ी थोड़ी पास आ रही हैं। मगर ये आपके MIT में ये सब नहीं है? MIT में हर छात्र को बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, तब जाकर वो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बनता है। लेकिन ये कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री, चाहे पॉलिटिकल साइंस की क्यों ना डिग्री हो, उसे बायोलॉजी। क्या इसके इसके पीछे सोच क्या है कि आप जब इंजीनियर बने तो सिर्फ एक तरह से पुर्जों को जोड़ने वाला इंजीनियर ना बने, बल्कि समाज को समझने और उसकी ज़रूरत के हिसाब से शोध करने वाला या चीज़ें डिज़ाइन करने वाला इंजीनियर बने? साइंस के बारे में ब्रॉड जानकारी हो और दुनिया के बारे में, इवन सोशल साइंस, MIT का हर छात्र 8 सोशल साइंस के कोर्स करने पड़ते हैं, 8 सेमेस्टर में, 4 साल 2 सेमेस्टर्स पर ईयर, 8 सेमेस्टर्स 1 ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस कोर्स। तो वो साइड का सब्जेक्ट है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि आप कुंजी की किताब पढ़ लिए, गाइड बुक पढ़ लिए? नहीं, ये नहीं, वो सब्सिडियरी टाइप से नहीं है, मतलब सीरियसली सीरियस सब्जेक्ट्स हैं। और ऑफ कोर्स इन योर ओन सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसमें 10-12-13 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे आपको। प्रोफेसर मृगांक, मैं ये सारी बातचीत अपने YouTube चैनल पे डालने वाला हूँ, ताकि जो छात्र हैं, कई बार मुझे लगता है ऐसा कि इस जगह पे जो लोग, बहुत कम लोग पहुँचते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो सपना ज़रूर देखें, और उससे मैं यही सोच कर आया था, पर अब मुझे लगता है कि वो आपकी तरह जिज्ञासा ज़रूर पालें और उसमें आनंद लें, जिस तरह से आप आनंद लेकर बता रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तब आपके समय में भी लोग कहते होंगे बिजली विभाग में इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेगा। मेरे बड़े भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ के वो बिजली विभाग में, उन्होंने विभाग में काम किया, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज आपसे बात करके लग रहा है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद दूसरे किसी विषय को पढ़ लें और उसमें पता नहीं क्या कमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए ब्रॉड जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में आप क्रिएटिविटी, नॉलेज, यू नो, इंक्विजिटिवनेस ला सकते हैं। जी, बहुत ही पर ये जो ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, अब हम प्रोफेसर मृगांक सूर के ब्रेन डेवलपमेंट सेंटर में जा रहे हैं, जहां आप कितने साल से, ब्रेन रिसर्च, तो कितने साल से आप यहां काम कर रहे हैं? मैं 37 साल से। 37 साल से, तो ये ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं कि MIT के भीतर कोई आपकी ज़ुबान में, मादर ज़ुबान में इतनी बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। तो पर आप ब्रेन की जितनी कोशिकाओं को जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप नहीं भी जानते हैं, पर आपने एक बात कही कि चूहों में आप ये देखते हैं कि आप म्यूटेट कर पाते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली। तो वो सीखने के बाद क्या इस टेक्नोलॉजी से आप आदमी में जो बीमारियां होती हैं ब्रेन से रिलेटेड, क्या वहाँ फिर अपनाया जाता है कि हम म्यूटेट करके ठीक कर पाते हैं? नहीं, म्यूटेट करके नहीं, मगर हम समझ सकते हैं कि म्यूटेशन से होता क्या है। अच्छा, ब्रेन में कौन सी प्रोटीन नहीं बन पा रही है, या किस तरीके से ब्रेन फंक्शन, न्यूरॉन्स के कनेक्शन सही नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारा लैब है दोनों ओर। अच्छा। और ये यहाँ पे लैब के इक्विपमेंट हैं, यहाँ पे लोग बैठते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक्टरल फेलोज। ये यहाँ इतना अच्छा कमरा है आपका, ये तो ये क्या हम दिखा सकते हैं? इजाजत है, और आपका इक्विपमेंट हम देखना चाहेंगे कि तो पर आपके जो छात्र हैं, इन तस्वीरों से देख के लगता है कि ये सब अलग अलग देश के हैं। नहीं, बहुत अलग अलग देश के। हमारे लैब में इस टाइम पे 9 देशों से हैं लोग, और कभी कभी तो 11-12 देशों से भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है हमारी लैब। यू नो, ग्रेजुएट स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट्स आते हैं बहुत देशों से। फिर हमारे लिए PhD इज नॉट एनफ,
क्योंकि द वर्क इज वेरी स्पेशलाइज्ड. अच्छा. सो पोस्ट डॉक्टरल फेलोज हैं हमारे लैब में. ओ. पीएचडी के बाद भी. सो जैसे बीटेक किया या बीएस किया उसके बाद नो 4 साल 5 साल 6 साल की पीएचडी उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल. तो इतनी ट्रेनिंग जरूरत है करने की. मतलब पढ़ाई के स्तर पे ही 10-15 साल लग जाते हैं. एब्सोल्युटली. जितना मेडिकल में लोग एमडी करते हैं उससे भी ज्यादा. एमडी प्लस रेसिडेंसी प्लस फेलोशिप जो जो ट्रेनिंग होती है हमारे फील्ड में. क्योंकि जैसे जैसे हमारी फील्ड आगे बढ़ती जा रही है तो मोर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत है. ये एक प्रॉब्लम है फ्रेंकली. क्योंकि यू नो फॉर अ यंग पर्सन टू बी 30-35 before they get their first independent position, it is very long. It is too long. बहुत समय लग जाता है. So it's ये बड़ी problem है. ये तो हमारे lab की photograph है हमारे. हाँ. I turned 70 this year. तो अच्छा. Party. ये अच्छा. आपके 70 साल. People put it together. चलिए हम भी आपको अपने दर्शकों की तरफ से आपके students आपको कितना प्यार करते हैं ये पता चल रहा है. कि आपने हमारे घर आते हैं आप उन्हें खिलाती है. हाँ. पर अलग अलग देशों के हाँ. जब छात्रों से आपका इंटरेक्शन होता है तो आप एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन बनता है. बिल्कुल बिल्कुल. हम अपने हमारे लैब में 4-5 साल से हैं. हाँ. तो वो बिल्कुल हमारे फैमिली की तरह है. फैमिली की तरह चाहे वो किसी भी देश का चाहे किसी भी देश में. ऑफकोर्स ऑफकोर्स. आई मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन आई माई सेल्फ आई एम फ्रॉम अनदर कंट्री. यहाँ पे आप खुद अलग देश के. हम भी अलग देश. आपका उससे लगाव है किस देश का है? नो प्रॉब्लम. उससे कभी आपको लगता नहीं कभी झुकाव नहीं होता है? कभी नहीं कभी नहीं. जैसे हमारे लैब में इस टाइम पे चाइना से हैं, स्वीडन से हैं, जापान से हैं, ऑफ कोर्स इंडिया से हैं, और अभी अभी टर्की से थे. सो बहुत देशों से. अभी कोरिया से हैं. कोरिया से. बहुत मुश्किल होता होगा यहाँ पहुँचने में? हर कोई तो पहुँच नहीं सकता आपके पास. सेलेक्टिव है बहुत हमारी एडमिशन्स प्रोसेस. तो इसीलिए बहुत कम लोगों को हम लेते हैं. बहुत लोग अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए हमारे प्रोग्राम में मगर हम थोड़े ही से लोगों को ले सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट. मैं लैब का कुछ सामान देखना चाहता हूँ. ज़रूर. हाँ. सो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा बात करूँगा आपसे थोड़ी कि इस वक्त जो ब्रेन से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं बीमारियां हैं कई बार हमसे भी हम लोगों से भी लोग संपर्क करते हैं पर हमें उसका जवाब नहीं मालूम होता है. पहले उन्होंने हमें आपको ऑनररी पीएचडी दी. अच्छा. ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस. सो दैट हमारी पीएचडी तो वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से है. हाँ. मगर that was one of the important things. और ये है आपका ब्रेन. हम सभी का ब्रेन. हाँ, हम सभी का ब्रेन है. हाँ, जिसको आपने पिए आपने ये हम पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अच्छा. और ये हम जाते हैं यहाँ पे कमेंसमेंट के लिए तो तो ये आपको कैप है. तो फाइनली इसके भीतर 80 अरब क्या है 80 अरब न्यूरॉन्स हैं. न्यूरॉन्स उसको हम किस तरीके से वो काम करते हैं किसके साथ मिले जुड़े हैं किस तरीके से वो इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं. क्योंकि जैसे आप सोचिए विजन के बारे में और हमने विजन की काफ़ी यू नो स्टडी की है. जो आप देख रहे हैं आपकी आंखें आपको ब्रेन को क्या बतलाती हैं? खाली पिक्सल्स. जैसे कैमरा के पीछे जो पिक्सल्स हैं कार्ड में उस पिक्सल्स में कोई ऑब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन है मगर क्या है वो आपकी ब्रेन क्रिएट करती है. सो उन पिक्सल्स पहुंचती है आपके ब्रेन में पीछे यहाँ पे न्यूरॉन्स को वो इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो उससे वो एक्सट्रैक्ट करती हैं समझती हैं कि दुनिया में लाइट कहाँ है डार्क कहाँ है एजेस कहाँ है ऑब्जेक्ट्स कहाँ है. इस तरीके से विजन बनता है हमारे ब्रेन में. और हम जानते हैं इसलिए कि यदि किसी तरह से जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी को तो ब्रेन में यदि डैमेज हो गया तो वो काफ़ी चीज़ देख सकते हैं और काफ़ी चीज़ नहीं देखते. अच्छा. और उनकी आँखें बिल्कुल सही हैं. सो विजन आँख से शुरू होती है मगर ब्रेन में क्रिएट होती है. ये भी या तो हम तो ये जानते थे कि या तो आँखों की रोशनी पूरी चली गई वो कुछ भी नहीं देखता है मगर ऐसा भी होता है कि आप कुछ चीज़ों को देखते हैं
और कुछ चीजों को नहीं देखते हैं. एग्जैक्टली. एक्सीडेंट के बाद ये भी होता है. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट एक्सीडेंट जहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए तो आप फेस नहीं समझ सकते हैं. और बाकी जिधर देखते हैं गाड़ी देख सकते हैं मगर कौन है जिसके साथ हम चेहरे से आप नहीं पहचान से नहीं पहचान सकते. लेकिन कार पहचान रहे हैं कि ये कार इस ब्रांड की है. ये मेरा घर है वो पहचान रहे हैं. पर आप अपने सगे संबंधियों को नहीं पहचान. तो वो ठीक हो सकता है. ये बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल. मगर वन डे किसी दिन. क्योंकि ब्रेन की एक और खासियत है कि ब्रेन सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं. जैसे आपने हाथ को काट लिया किसी तरह से तो आपका कटा हुआ स्किन न्यू सेल्स विल बी बॉर्न दैट विल मेक द वाउंड भर जाएगा. लेकिन ये इसमें ब्रेन में नहीं होता कभी. तो आप उसको रिप्लेस करेंगे. तो ब्रेन को उसको कैसे ठीक किया जाए इसकी खाली दो उपाय है. एक है कि जो सेल्स नहीं जो सेल्स इंटैक्ट हैं क्योंकि जो जहाँ पे डैमेज हो गया वो तो गया मगर इंटैक्ट सेल्स को किसी तरीके से ये फंक्शन मिल जाए. इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी. और मैं प्लास्टिसिटी की पढ़ाई करता हूँ. और दूसरा है कि किसी तरीके से इसको रीजनरेट करें हम. और वो अभी संभव नहीं. संभव नहीं है. और इसी बहाने हमने अपने आपसे बात करने के बहाने हमने MIT के एक प्रोफेसर का कमरा अपने दर्शकों को दिखा दिया कि कितना शानदार कमरा है. ऐसे कमरे अब भारत के विश्वविद्यालयों में भी होते हैं पर और अच्छे प्रोफेसर भी होते हैं ऐसी बात नहीं है मगर ज़्यादातर जगहों में नहीं होते हैं. तो जो नहीं होने वालों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है. तो कई बार लगता है कि यहीं पे ज्ञान का अंतर जो नॉलेज गैप है यूनिवर्सिटी क्रिएट कर देती है. और उसमें जो लोग इस कुर्सी पर बैठते हैं वो भी उसमें भागीदार होते हैं कि उस पद पर बैठ के एक नॉलेज का गैप ज्ञान का अंतर बना देते हैं. और सही बात तो यह है कि MIT बहुत ही रिच यूनिवर्सिटी है. बहुत पैसा है इसके पास. MIT के पास MIT कितना पैसा है. MIT का एंडाउमेंट जिसे कहते हैं करीब 20 या 25 बिलियन डॉलर. तो इसमें तो एक राज्य का हार्वर्ड का 40 या 50 बिलियन है. तो इतनी बिलियन डॉलर्स को ये इन्वेस्ट करते हैं और उसकी इनकम से MIT प्लस ट्यूशन प्लस हम रिसर्च फंडिंग लाते हैं तो वो रिसर्च फंडिंग का ओवरहेड लेते हैं MIT. तो हमारी रिसर्च चलती है NIH की ग्रांट से. तो ये जो कंपनियां आपको रिसर्च का जो ग्रांट देती हैं कंपनी नहीं ये यूजुअली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट देती है. सरकार देती है. सरकार देती लेकिन है. सरकार देती है आसानी से. अगर आपको आज 40 करोड़ जरूरत पड़ जाए किसी चीज पर रिसर्च कॉम्पिटिटिव हमें अप्लाई करना पड़ता है. उसकी रिव्यू होगी. कॉम्पिटिशन के बाद हमें देगी. मान लीजिए रिजल्ट नहीं निकला. नहीं रिजल्ट पे नहीं डिपेंड करता है यूजुअली. अच्छा. हमारी हम बहुत ही फंडामेंटल साइंस पे काम करते हैं. बेसिक साइंस. तो हमारे लिए ये दिखाना ज़रूरी है कि कितनी आइडियाज नॉवेल है. न्यू आइडियाज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू टेक्निक्स सो दैट वी विल से वी आर लाइकली टू मेक सो एंड सो डिस्कवरी. उस पे आपको पैसा मिल जाता है. एग्जैक्टली. मगर मोर अप्लाइड रिसर्च जैसे यू वॉन्ट टू मेक समथिंग. यू वॉन्ट टू मेक अ चिप और यू वॉन्ट टू मेक सम डिवाइस. उसके लिए कंपनी देती है ज़्यादा. मगर बेसिक साइंस के लिए ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट है. वो बता दीजिए. अमेरिका कैनॉट सर्वाइव विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग. गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ रिसर्च इज एट द हार्ट ऑफ अमेरिका. पर हमारी धारणा ये है कि जो आप लोग रिसर्च करते हैं वो प्राइवेट फंडिंग के भरोसे है. क्योंकि भारत में इसी पे जोर दिया जाता है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो प्राइवेट फंडिंग लाएं. और आप कह रहे हैं कि सारी आपकी फंडिंग सरकार से चलती है. हमारी 90% ऑफ फंडिंग फॉर बेसिक साइंस. और ये आज तक नहीं बदला. और सरकार देती है फंडिंग हमारी रिसर्च के लिए और हमारी यूनिवर्सिटी को जिससे कि बिजली रहे पानी रहे और हमारा कमरा साफ रहे और हमारी इक्विपमेंट चलती रहे इनके लिए. पर हम लोगों को तो यही बताया जाता है आम धारणा में कि
कि अमेरिका की तरह बनना है क्योंकि वहाँ हर चीज़ प्राइवेटाइज हो गया है, तो इस यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज करो, इस डिपार्टमेंट की फंडिंग को प्राइवेटाइज करो, बंद कर दो। मैं भी सुनता हूँ, यू नो, जो भी मैं कमेटी में बैठता हूँ इंडिया में, हाँ। और ये एक बहुत बड़ी गलती धारणा है, ये बहुत गलत है कि गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी रिसर्च और रिसर्च अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा चाहती है कि हमें क्या मिल रहा है, और बेसिक रिसर्च की से उनको क्या मिलेगा ये हमें नहीं मालूम। तो MIT ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह होते हुए भी जितना भी रिसर्च किया है, जितनी भी चीज़ें बनाई है, उसमें सरकार का पैसा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 80-90% पैसा, एब्सोल्युटली। तो प्राइवेट फंड, प्राइवेट कंपनीज देती हैं, मगर फॉर वेरी फोकस्ड लिमिटेड। मैं भी इसी धारणा के साथ आपके इस कैंपस में आया, जब देखा कि कितना सब कुछ चमक रहा है, तो हमें लगा कि शायद इस यूनिवर्सिटी की एक अपनी ख्याति है और इसकी अपनी साख भी है कि ये टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, तो सारी कंपनियां यहाँ पैसा देती होंगी, पर अभी ये धारणा ध्वस्त हो गई। रिसर्च के लिए आप सही मायने में ब्रेन रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने मेरी ब्रेन की ये बीमारी दूर कर दी कि यहाँ जो चीज़ें चमक रही हैं और जो रिसर्च हो रहा है वो सरकार के पैसे से। प्राइवेट कंपनी या फाउंडेशन देती हैं, मगर वो ठीक है, उनका वो हिस्सा हमेशा रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, दीज आर बिग डिपार्टमेंट्स ऑफ द US गवर्नमेंट, दे गिव वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मनी फॉर रिसर्च। तरीके से हम अपनी कहानी, इनकी कहानी बतला सकते हैं। तो ये कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी क्रूशियल, हम में है मगर हर जानवर में है, क्योंकि वो अपने अपने नीश में फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे चूहा माउस इज फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग फूड, इन टर्म्स ऑफ अवॉइडिंग प्रे, इन टर्म्स ऑफ मेटिंग, इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर इट डज। तो हम एक चूहे को हम ट्रेन करते हैं टू शो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑन अ टास्क जिसे कहते हैं, और फिर हम इसके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स डाल के या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करके हम स्टडी करते हैं कि इसकी ब्रेन किस तरीके से इस प्रॉब्लम, इस टास्क को सॉल्व करती है। मैं एक राजनीतिक सवाल पूछूं? ज़रूर पूछिए। कई बार लोग कहते हैं कि फला राजनेता अपने भाषण से बहुत सारे वीडियो या क्रियाकलाप से, मतलब एक्टिविटीज से, योजनाओं से लोगों को कैप्टिव बना लेता है। तो क्या ये उसी तरह से है जैसे आप चूहे को कैप्टिव बना लेते हैं? ये संभव है कि इतने बड़े लेवल पे लाखों लोगों के माइंड को एक सर्टेन डायरेक्शन में ड्राइव किया जा सकता है, पुश किया जा सकता है? वो भी तो शायद जो बड़ा राजनेता होता है वो आप लोगों की तरह ही ब्रेन का प्रोफेसर होता है। आई थिंक आज के राजनीति में बहुत सारे नेता इसको बहुत गहरी तरीके से समझते हैं कि अच्छा, किस तरीके से अपने दर्शकों को, इतने लोगों को हम प्रभावित करेंगे या वो हमें बिलीव करेंगे जो हम कह रहे हैं। ये हमारे यहाँ तो ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं तो हम कह सकते हैं। तो इसकी क्या मैकेनिज्म है ये हम अभी नहीं बतला सकते, मगर ब्रेन की डिफरेंट, मगर ये ब्रेन की, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन फंक्शन फॉर श्योर। ऑल कॉग्निशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन, पर इस पर किसी की नज़र होगी, कोई रिसर्च कर रहा होगा, या अभी ये सवाल आप लोगों की दुनिया में, आपकी मेज़ पर नहीं आया है? हमारे मेज़ पर नहीं आया है अभी, आपकी मेज़ पर नहीं आया, क्योंकि मैं तो जानवरों के साथ काम करता, जानवरों के साथ, और आदमी के साथ काम करने में बहुत मुश्किल ये है कि हम खाली उसकी इमेजिंग कर सकते हैं, fMRI फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर सकते हैं, मगर हम अंदर नहीं देख सकते। तो अंदर देखने के लिए, और मुझे इसकी उत्सुकता है कि हम जाने कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं। और आपका लैब कहाँ? ये तो हमारी लैब यहाँ है, मगर हम आपको दो तीन चीज़ें दिखाते हैं।
सो यहाँ पे हाँ इसे हम टू फोटोन माइक्रोस्कोप कहते हैं. अच्छा, इस माइक्रोस्कोप से हम ब्रेन के अंदर देख सकते हैं. अच्छा, और ब्रेन को उसके लिए हमें ब्रेन को एक्सपोज करना पड़ता है और फिर हम चूहे को यहाँ पे फिक्स करते हैं. यू नो द माउस इज अलाइव, माउस इज डूइंग समथिंग एंड देन वी उसकी दो तीन चीज़ें हम कर सकते हैं. एक तो उसमें इलेक्ट्रोड्स डाल के हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम इस न्यूरॉन्स में हम उसकी लाइट से इमेजिंग कर सकते हैं. सो लाइट से इमेजिंग ऐसे करते हैं कि न्यूरॉन्स में हम जब लाइट जाता है, लेज़र से हम उसको स्कैन करते हैं, तो न्यूरॉन्स वो लाइट को एब्जॉर्ब करके वो ग्लो करता है, फ्लोरेसेंस देता है, तो उसको हम पिकअप कर सकते हैं. पर उस तरीके से हम थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स हम इस तरीके से उसकी इमेजिंग कर सकते हैं. अब मैं आता हूँ एक बहुत ज़रूरी सवाल पे कि कई लोग हम तक भी आते हैं कि उनका बच्चा किसी न किसी तरीके के सिंड्रोम का शिकार है. बिल्कुल, जैसे कई तरह के सिंड्रोम होते हैं, पर एक ऑटिज़म की बात कर लेते हैं तो एक तो उसका इलाज बहुत महंगा हो जाता है, माँ जो घर परिवार हैं वो बर्बाद हो जाता है पूरी तरीके से. पर उस दिशा में क्या आप लोगों के पास कोई कुछ ऐसी प्रगति दिखती है कि बहुत सारे माँ बाप यहाँ की भी तरफ देखते होंगे, भारत के वैज्ञानिकों की तरफ भी देखते होंगे कि काश उनके रिसर्च से कुछ ऐसा निकले जिससे उनकी ये पीड़ा दूर हो. वेरी गुड क्वेश्चन. वी आर मेकिंग स्लो प्रोग्रेस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ऑटिज्म की बात की, सो ऑटिज्म क्योंकि हमारे बच्चों में होता है तो जेनेटिक म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑटिज्म, क्योंकि नॉट टू मच लाइफ हैज हैपेंड. सो व्हेन समथिंग हैपेंस इन अ चाइल्ड, देर इज समथिंग रॉन्ग इन द वे दैट चाइल्ड वॉज मेड, एंड दैट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग इन द जीन्स. सो we have begun to understand some of these genes. The issue is how do we study what they do. So we can make mice and we can induce mutations in mouse and achha. Then we can study using these techniques. So chuha bhi usi tarah se bartav karta hai jaise kuch kuch tarike se kuch kuch tarike se chuha to bahut hi chota brain hai magar kafi mutations mein you can see ki parallels hai. तो जैसे हमारी लैब ने एक एक सिंड्रोम है, रेट सिंड्रोम, बहुत ही यू नो डेबिलिटेटिंग सिंड्रोम है. तो रेट सिंड्रोम को हम स्टडी करते हैं माउस में, क्योंकि उसकी एक म्यूटेशन होती है MECP2 करके एक जीन होता है. तो MECP2 जीन की हम म्यूटेशन करते हैं और फिर हमने स्टडी की और हमने डिस्कवर किया कि जब ये म्यूटेशन होता है तो न्यूरॉन्स में एक प्रोटीन बहुत कम हो जाता है और कनेक्शंस बहुत वीक हो जाती है न्यूरॉन्स के साथ. तो उसको हम बढ़ा सकते हैं एक दूसरा मॉलिक्यूल देके. तो वो मॉलिक्यूल हमने प्रपोज किया था 14 साल पहले. वो अभी इस साल एक कंपनी ने उसकी Phase 1, Phase 2, Phase 3 ट्रायल्स की, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन अप्रूवल के लिए ये सब ट्रायल्स करने पड़ते हैं. तब भी यहाँ 14 साल लगा उसकी ट्रायल्स होके ये पहली मेडिसिन है जो कि अप्रूव हुई है फॉर ब्रेन डिसऑर्डर. तो और ये रेट सिंड्रोम के लिए, रेट सिंड्रोम के बच्चे को अगर दिया जाए तो थोड़ा सुधार हो सकता है. थोड़ा सुधार. क्या पहले से जाना जा सकता है कि बच्चा पैदा होने से पहले कि पति पत्नी के बीच में कोई जेनेटिक गड़बड़ी तो नहीं है? क्या यहाँ पर इस तरह का रिसर्च या टेस्ट लोग पहले कराते हैं? भारत में लोग अनजान रह जाते हैं. दूसरा सवाल कि क्या ये बहुत जटिल और बहुत महंगा टेस्ट होता है? तो ज़्यादातर अभी टेस्ट के लिए अप्रूवल नहीं है. अच्छा, अप्रूवल है फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम के लिए. जैसे कि यदि माँ की उम्र ज़्यादा है तो यहाँ पे
सजेस्ट करते हैं कि आप डाउन सिंड्रोम का टेस्ट करवाएं इन यूटरो, क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड से वो टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा का पैमाना क्या है, 40 साल या 45 साल या 35 साल? करीब 40s में। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर ये अंदाजन यदि माँ की उम्र ज़्यादा है पहले बच्चे के लिए, तो वो डाउन सिंड्रोम का टेस्ट सजेस्ट करते हैं। ज़्यादातर ये जेनेटिक डिजीजेस के लिए अभी प्रीनेटल टेस्टिंग नहीं अलाउड, पहले से नहीं हो सकती। तो इसकी पोस्टनेटल ही टेस्टिंग होती है, मगर अब वो बच्चे के जन्म के बाद। और ज़्यादातर तो कोई साइंस दिखते हैं कि कॉग्निटिव डिक्लाइन है, या बच्चा बोल नहीं पा रहा है, या बच्चा बोलना सीखा फिर उसके बाद कम हो गई। तो सर, कोई ऐसा नेटवर्क नहीं बना ग्लोबल लेवल का, आप जैसे रिसर्च साइंटिस्ट का, कि जैसे भागलपुर का कोई व्यक्ति है, हाँ, वो आपको अपने बच्चे का रिपोर्ट या आप जिस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं वो आप तक भेज दे, आप वैज्ञानिकों के नेटवर्क में आ जाए और फिर आप बता सकें कि कितना चांस है वहाँ पर, वो जो उसको दवा दी जा रही है वो दवा उसके लायक है भी या नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। वी नीड दिस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ए डिफरेंट नेटवर्क, जैसे कि जीन डिस्कवरी नेटवर्क, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस है, निमहांस है बेंगलोर में, या AIIMS है। सो जिन जिन लोगों को लेट्स से स्किज़ोफ्रेनिया है या ऑटिज्म है, उनकी जेनेटिक मटेरियल सलाइवा या ब्लड कैन बी पार्ट ऑफ ए इंटरनेशनल रजिस्ट्री और सबको शेयर किया जाए और उससे जीन डिस्कवरी होगी। और उस जीन डिस्कवरी के बाद क्या कौन सी जीन्स है रिस्पॉन्सिबल ये डिजीजेस के लिए, फिर उससे हम डिस्कवर करेंगे कि इसका क्या इलाज हो सकता है। मगर ये बहुत लंबा रास्ता अभी हम बिल्कुल, पर हम इसको राजनीति में लोगों की जागरूकता में कैसे लाएं। बहुत सारे माँ बाप हमें लिखते हैं, मुझसे भी लिखते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम की बीमारी है उसके अलग अलग नाम है जो इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, उसके इलाज कहते थे, मगर मंगोलिज्म वाज ए इंपीरियलिस्ट, क्योंकि द चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैव slanted eyes and so forth, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, वो एक बायस क्रिएट किया गया। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बच्चे को सपोर्ट करते हैं और उसके साथ साथ अपनी जिंदगी की कुर्बानी भी देते हैं। Absolutely. पर उनका इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है, उन्हें लगता है कि पैसा के अलावा किससे पूछें कि जिससे उनको भरोसा मिले कि हाँ आपने देखा है आप यही इतना हो सकता है। और इसकी अमेरिका में अगर इस तरह का कोई बच्चा है तो उसके इलाज की क्या व्यवस्था है, कोई सरकारी व्यवस्था है? तो हेल्थ केयर की बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हेल्थ प्लान नहीं है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, यदि आपके पास इंश्योरेंस नहीं हो तो आप यू नो हेल्थ केयर इज़ वेरी पुअर और वेरी डिफिकल्ट टू गेट। इंडिया में भी ऐसा है, देयर इज़ नो नेशनल हेल्थ प्लान, सो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। दिस इज़ अ वेरी बिग फेलिंग इन माई ओपिनियन ऑफ द स्टेट। सो इंडिया में क्या कर सकते हैं, वॉट आई कैन सजेस्ट इज कि गो टू ए बिगेस्ट सेंटर नियर वेर यू लिव, जहाँ पर रहते हैं उसके पास, यदि बेंगलोर में रहते हैं बेंगलोर के पास तो बस कुछ ही सेंटर्स हैं जहाँ बहुत पैसा लगता है उनके इलाज में, जाने में, जो उनके ट्रेनर होते हैं उनका भी बहुत पैसा लगता है और एक माँ बाप टूट जाते हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता इसमें, चूंकि आप लोग सोशल साइंस भी पढ़ते हैं MIT वाले, तो कोई रास्ता निकलता नहीं दिखता इसके लिए? तो बहुत बड़ी नेशनल एजेंडा होना चाहिए ना। और ब्रेन डिसऑर्डर्स ही क्या, हर डिसऑर्डर के लिए यू नो ब्रेन डिसऑर्डर्स तो पर ये जो मान ले लिए होती है लेटर इन लाइफ, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, नॉट टू मेंशन कैंसर, हार्ट डिजीज, हर चीज में। पर हम मान लेते हैं कि ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर है तो ठीक ही नहीं होगा क्या, ऐसा ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। ब्रेन डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं, सोशल यू नो क्लाइमेट, सोशल कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, और
an understanding of the social, understanding on the part of the society matters. You know, many things matter. Brain disorders in many ways, at least certain brain disorders, like depression, like schizophrenia, like anxiety, these are in many ways as much social as they are biological. और मैं biologist हूँ. तो आप उसी angle से बताइए. So हमारी field की tendency है कि हम हर चीज को medicalize कर दें. वो भी ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हैं. वो भी ठीक नहीं है. क्योंकि बहुत सारी दिमाग की बीमारियाँ होती हैं, you know, किसी की death हो गई, किसी की you know some relative dies or somebody something has happened. आपका घर जल गया, whatever, you know. So these are very traumatic incidents. तो that ऐसे can also में create disorder. क्या करना चाहिए? मतलब अगर उसको सामाजिक रूप से उसको कंफर्ट दिया जाए कि हम आपके साथ हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा इफेक्टिव है किसी दवा के फॉर सम डिसऑर्डर्स. लेकिन जब बात बिगड़ जाए तब दवा की बात आ जाए. और पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन then because they have not had so many life experiences, so they are largely genetic. So for genetic disorders you do need treatments. Particularly for ये आजकल जो स्क्रीन का जो इफेक्ट आता है, जो एडिक्शन आता है, अब ये आपके ही क्षेत्र में एक नई तरह की चुनौती लेकर आ रहा होगा कि इसकी भी कोई टेबलेट लानी पड़ेगी क्या कि आप दिन भर बच्चे को मोबाइल से और या उसके वीडियो गेम के नशे से दूर रखें? नहीं, ये दिस इज अ गुड एग्जांपल वेयर आई थिंक द सोशल कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड नॉट मेडिकलाइज दिस डिसऑर्डर्स. कि हम हर डिसऑर्डर को ये ना कहें कि इसकी कि आपके दिमाग में कोई बीमारी है. क्योंकि दीज आर ड्यू टू द वर्ल्ड दैट वी लिव इन. Due to the social context we live in, for a poor person, not having a job, not having a daily, you know, living day to day, is a source of great anxiety. घर नहीं है, खाने का नहीं है, बच्चों को कैसे खिलाएंगे? The solution to this is to give them, make sure they get a house. ये राजनीति है. ये राजनीति है. इसमें डॉक्टर का रोल बहुत बाद में आता है जब चीजें गंभीर हो जाएं. और डॉक्टर को कहना चाहिए कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम. तो अब मैं और आपके क्लास या किसी और कमरे, यहाँ भी एक कमरा है. हमारे पास बहुत कमरे हैं. ओह, काफी कमरा है. यहाँ भी किसी चीज में रिसर्च चल रहा है. हाँ बिल्कुल. तो ये सब इस पे डेंजर लिखा हुआ था. हाँ, हमारे यहाँ पे हम इसको कभी-कभी तो ये हम लेजर्स यूज करते हैं. अच्छा. क्योंकि लेजर से हम यहाँ पे ब्रेन होता है चूहे का, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, और उससे लेजर से हम स्कैनिंग करते हैं ब्रेन की, और उस तरीके से हम मालूम करते हैं कि एक्टिविटी क्या है ब्रेन. ये मशीन कितने की होगी सर? ये मशीन है करीब $1 million. $1 million की है. इसमें माइक्रोस्कोप है, लेजर्स हैं और कंप्यूटर्स हैं, और इसमें तो इस तरह की मशीन भारत में, भारत के किसी यूनिवर्सिटी में होगी जहाँ पे लोग रिसर्च कर रहे होंगे? कुछ है. यूनिवर्सिटी में है या हॉस्पिटल जैसी जगह? नहीं, ये होगी रिसर्च सेंटर्स. यूनिवर्सिटी में भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अमेरिका से सीखना चाहिए उनको, कि रिसर्च उन्होंने रिसर्च सेंटर में कर दिए हैं और यूनिवर्सिटीज खाली पढ़ाने के लिए है. अच्छा. ये अब बदल रहे हैं, मगर जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक टाइम था बहुत वहाँ रिसर्च हुआ करता था, बट देन गवर्नमेंट टुक अवे रिसर्च मनी एंड क्रिएटेड जैसे नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर दिस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी. ये सही व्यवस्था नहीं है. दीज आर रिसर्च सेंटर्स जिसमें रिसर्चर्स करते हैं और पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटीज में, तो इससे स्टूडेंट्स को रिसर्च का कोई पता ही नहीं होता. दो दुनिया बन जाती है, जबकि वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा होना चाहिए. जैसे रिसर्च शुड बी इन द यूनिवर्सिटी. जैसे पहले आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उसी तरह से MIT है जहाँ सब होता है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी बदल गई है क्योंकि वो अलग अलग रिसर्च सेंटर बना दिया गया. एग्जैक्टली. सो ये हमने लिखा भी है इसके बारे में. तो MIT में अमेरिका में
द बेस्ट रिसर्च इज इन द यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी से हमें एज ए प्रोफेसर आई हैव टू टीच आई हैव टू टीच अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आई टीच ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड आई डू रिसर्च विद अ रिसर्च लैब ऑल माई स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ अ कटिंग एज रिसर्च लैब पर सर आपके पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं तो बहुत सारा सवाल ही नहीं पूछ सकता हूँ मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये टेक्निकली कॉम्प्लेक्स हाँ कि काफ़ी जटिल है कि लेकिन फिर भी एक आपने जितना सरल बना दिया अपने इंटरवेंशन से वो बहुत कमाल का अनुभव रहा मेरे लिए कि इससे ज़रूर देखने वाला कुछ सीख के जाएगा कि यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है यूनिवर्सिटी चल कैसे रही है सरकार की भागीदारी क्या है फिर जो जो सिंड्रोम की बीमारियां हैं जिसमें बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए होप है वन डे वी विल सॉल्व आप कर देंगे इट इज अ लॉन्ग आपकी यही बात सुनकर कितने लोगों की आंखें चमक जाएंगी कि कोई प्रोफेसर कह रहे हैं कि हम एक दिन ऐसा कर दिखाएंगे वो लोग जरूर अपनी दुआएं भेजेंगे कि आप वो दिन बहुत जल्दी कर दें पर ये सब समझते हैं कि इतनी जल्दी की चीज़ तो है नहीं लेकिन इस दिशा में काम हो रहा है ये सुनकर ही ऐसे माता पिता को बहुत राहत मिलेगी और उन्हें ये बात समझ में आएगी आपके ज़रिए कि ये जो खर्चे का हिस्सा है इसका समाधान सरकारों को करना पड़ेगा Absolutely. और सरकारों को वो पूरा बजट देना चाहिए पूरा सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग और ज़्यादा इसमें ना पिसे मतलब भावनात्मक रूप से तो चुनौतियाँ उठा रहे हैं हमारे माँ बाप आर्थिक रूप से नहीं तो ऐसे ही माता पिताओं के लिए माताओं और पिताओं के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि उन्हें कुछ राहत मिले कई बार वो मुझसे कहते हैं मैं भी नहीं जानता हूँ कि इस विषय को कैसे मैं दर्शक और सरकार के सामने रखूँ तो एक तरह से आज ये हमारी कोशिश थी कि जो दिमाग में 10 तरह की जो के बदलाव होते हैं उसके बारे में हम उनसे बात करें जो पिछले 40 साल से उस पर शोध कर रहे हैं प्रोफेसर मृगांकसुर और उसी के साथ साथ हम पत्रकार होने का ये दायित्व भी पूरा करें कि आपको एक ऐसी जगह पर ले जाएं जहां आप उम्मीद की एक रोशनी देख सकते हैं अब वो उम्मीद कोई भी पूरा कर सकता है ज़रूरी नहीं कि प्रोफेसर के हाथों ही हो सकता है कि किसी नौजवान किसी बहुत ही मेधावी छात्र के ज़रिए ये उम्मीद आपकी पूरी हो जाए तो MIT के इस ब्रेन रिसर्च सेंटर से विदा लेना चाहता हूँ आपका बहुत वक्त बहुत कीमती है मैं समझ रहा हूँ 9, 10, 11, 12 देशों के छात्र आपका इंतज़ार कर रहे हैं और मैंने ठीक ठाक घंटा 2 घंटा आपका ले लिया पर कोई बात नहीं आपने रविश कुमार ऑफिशियल के दर्शकों के लिए इतना वक्त निकाला ये वक्त बेकार नहीं जाएगा सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू